अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग साफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, देख सकते हैं अभी जो है ना सुबह का टाइम है और मैं घर के जो है काम कंप्लीट कर रही हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि जानते हैं मैं हूँ मोहम्मद इम्तियाज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का टाइम है, सबा ने जैसा कि आप जानते थे कि सबा जो आपने पहले चैनल देखा था अक्सा विलेज वाले यूट्यूब चैनल में, वहाँ सबा का किचन बिल्कुल नहीं था, कच्चे किचन में खाना बनाते थे हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों के प्यार हमें यहाँ तक लेके आया है। अब माशाल्लाह ये देखे सबा ने अपना जो है ना अच्छा किचन बना लिया है और आगे भी आप लोगों की सपोर्ट से बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, आप लोग सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह तो आप हम आगे जा सकते हैं। तो माशाल्लाह पहले जो है ना सबा लकड़ियों पे खाना बनाती थी, आप देखते थे बहुत मुश्किल से आग जलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब तो माशाल्लाह ये देखें सिलेंडर पे खाना बनाते हैं, ये देखें ये गैस वगैरह चूल्हा सब कुछ रखा हुआ है, ये हम किचन का सामान इधर ही है। तो माशाल्लाह अब क्या कर रही हो? अभी यार वो कपड़े उतार लें, ये वाले गंदे लग रहे हैं ना। हाँ ये उतार लें, दीवार पे जो ठहरे हैं। आप ऐसा किया करें कपड़े जो है ना आप छत पर डाला करें ताकि सांस का प्रॉब्लम है ज़्यादा। हाँ सांस बहुत फूली हुई है। मैं लेके चलता हूँ आपको, वहाँ से दवाई लेके देता हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह ये है हमारे घर का फ्रंट सेट जो बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो सबा ने कपड़े जो है ना उतार लिए हैं, तो अब जा रही है। क्या करना है इरफा को? इरफा को उठाना है? इरफा को अभी ना उठाएं क्योंकि सोने दे। तो आप जानते थे कि यहाँ पर हमारा किचन होता था, इसी जगह पर जिस जगह पे मैं ठहरा हूँ इधर किचन होता था, कच्चा किचन होता था और लकड़ियों के जरिए सबा जो है ना खाना बनाती थी। तो ये सब कुछ पहले तो कुछ यूट्यूब से कमाए थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह सबा जो है ना टिकटॉक लाइव से, बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि सबा लाइफ से कैसे पैसे कमाती है। सबा आज आप तफसील के साथ बताएं, कोई टेंशन नहीं है। तो पहले मैं आपको बताऊं कि मैं टिकटॉक पे लाइव आती हूं और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे होते हैं गिफ्टिंग। हाँ वहां पे गिफ्टिंग मिलते हैं, उसकी वजह से हमें जो गिफ्ट करते हैं ना उनको ये बताएं कि जो फूल फ्लावर वगैरह करते हैं हमें सेंड, वो हमें कॉइन्स में तब्दील होते हैं, वो हमें उन वो पैसे मिलते हैं उनके हमें, और वो जो पैसे आए यहाँ पाकिस्तान से नहीं निकलते, वो बाहर के मुल्क से निकलते हैं, पेनियर अकाउंट थे। हाँ उसके बाद में जो गिफ्टिंग होती है वो हमें डॉलर के हिसाब से मिलती है। डॉलर जी बिल्कुल, जैसे कि कोई एक हार्ट दो भेजते हैं ना तो हमें एक डॉलर मिलता है। दो हार्ट, हाँ 200 क्वींस अगर हमारे पास आए तो हमारा एक 400 भेजते हैं जो हमें गिफ्टिंग करते हैं। हाँ, जो वो तो हमारे पास 200 आता है बिल्कुल, हाफ टिकटॉक है। हाँ बिल्कुल टिकटॉक रखता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने घर टिकटॉक की वजह से। हाँ ये हमारा जो घर का सेटअप है ये देखें, ये जितना भी हमारा घर का सेटअप है, जितना भी हमने ये घर का काम करवाया है। और दूसरी बात ये कि मैं क्या बताऊँ, मैंने इस पर बहुत मेहनत किया दिन रात एक एक करके। हाँ मैंने जो वीडियो डाली थी आपको, पिछली जो वीडियो डाली थी वो हमारी 3 बजे की वीडियो बनी हुई थी, मेरे पेट में थी, मेरे पूरे मंथ थे, मैं सारी सारी रात नहीं सोती थी, सारी सारी रात लाइफ होती थी। बिल्कुल अच्छी बात। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, मेरा ऑपरेट हुआ, मैं उसके बाद लाइफ आ गई, उसके बाद लाइफ आ गई, मैंने अपना ख्याल नहीं रखा जिसकी वजह से मेरे पेट में पस पड़ गई। हाँ दोबारा ऑपरेट कराना पड़ा, दोबारा ऑपरेट हुआ और डॉक्टर ने वो ओपन करके रख दिया, बिल्कुल स्टिच नहीं लगाए, बिल्कुल वो ओपन करके रख दिया, उसकी वजह से मैं बहुत बीमार हो गई। देखिए मेरी हालत क्या हो गई, बिल्कुल ऐसी बात, बहुत ज्यादा बीमार हो गई हूँ। बस ये या इंसान का घर बनता है या इंसान खुद बिगड़ता है। बिल्कुल, मैं देखिए अपनी सूरत शक्ल सब कुछ मैंने वो कर दिया अपना घर बनाने के लिए। बिल्कुल, और अल्लाह पाक सब औरतों को यही हिदायत है, जो आजकल आपको पता है छोटी छोटी बात पे रोक के चली जाती है मायके, ऐसे ना करें। हाँ। जो भी अपना हस्बैंड अपना घर अपना अपना होता है, अपने घर अपना घर हमेशा अपना होता है। और माँ बाप जब ना कहते हैं चिड़िया घोंसले से निकल आती ना, तब उस घोंसले में वापस नहीं जा सकते। बिल्कुल, और हम भी एक जैसे अपने माँ बाप के घोंसले से निकल के आए ना अपने घर, अब हम वहाँ पे नहीं जा सकते। बिल्कुल अपना घर अपना बना कर जाते हैं ना फिर वापस आ जाते हैं, हमारा अपना घर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा घर है मेरा। जी बिल्कुल, वो कहते हैं
काम करो, माँ कहती है ससुराल में जाके काम करो पता चलेगा, सास कहती है ये तुम्हारे घर नहीं मेरा घर है, कहती है जब अपना घर होगा काम करेंगे। सही बात। अब भाई ये मेरा अपना घर, सारा दिन घर के काम कर करके शाम हो जाती है, लेकिन घर के काम करना तो पड़ते हैं ना फिर, आपको पता है। अभी मैंने ये फर्श धोना है, अपना देखा अभी काफी काम मेरा थोड़ा सा पड़ा हुआ है, पानी लगाना है बस। बिल्कुल, आप ऐसा करें हल्का सा पानी लगा लें, सफाई तो हो ही पड़ी है, ये देखें सफाई हो गई है, कुछ बस नहीं है वो वाली जगह भी फर्श हमारी रहती है, यकीन होगा दिल कर रहा है खा लो। अच्छा, तुम्हारा बाबा आगे ना डंडा उठा तुम्हारे घर, मैं बाबा को बुलाता हूँ, बुला ये देखें, तो ये देखें ये वो वाला तोड़ के दो, तो ये देखें ये मैं तोड़ के दे रहा हूँ सभा को, एक और भी साथ में, ये उतरो ऊपर ऊपर, ये मैं खुद गिर जाऊंगा। तो माशाल्लाह से हमारे घर में तो ये खाओ। अच्छा आ ये देखें भाई ये मेरा रूम है, तो सॉरी अभी मैंने इसके कपड़े जरा से ही नहीं किए, देख सकते हैं आप लोग ये मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ मेरे दहेज नहीं था ना, अम्मी वगैरह ने मेरे लिए अब्बू के पास इतनी फुर्सत नहीं थी, वो मुझे दहेज देते जी जी, और अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैंने अपना दहेज अपनी हर चीज़ खुद बनाई। तो माशाल्लाह आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, हम अभी इतनी ही वीडियो बना सकते हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे पास इंशाल्लाह जब अच्छे टॉपिक आएंगे तो अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे आपके लिए। तो इंशाल्लाह कमेंट कर रहे थे लोग कि आप लाइफ से कैसे पैसे कमाते हैं, तो आज हमने ये भी हम बता दें अपने व्यूअर्स को, आप भी कमाएं इस टिकटॉक से अच्छी अर्निंग है। तो मिलते हैं अल्लाह हाफिज़।